एक समय एक लड़का पनीर खा रहा था कि एक कौवा उड़कर कहीं से आया और उसका पनीर चपट कर ले गया और मजे से पनीर खाने लगा। तभी एक लोमड़ी इधर से गुजर रही थी। उसने कौवे की चोंच में पनीर के टुकड़े को देखा और उसके मन में पनीर खाने का लालच आया। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई तुम कितने प्यारे हो। भाई चमकीले थे, नकली चोंच जब इतनी सुंदर है तो तुम्हारी आवाज़ कितनी मधुर होगी। कौवा अपनी छोटी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। ऐसा करते ही उसकी चोंच से दबा हुआ पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे लोमड़ी उठाकर खाती।